Okay, good morning everyone. So students, we are going to start today a new sum of accounts of non-for-profit concern. That is on page number 91, page number 11, sum number 11. So starting with, you have to take a pencil and make sure ki aap log bhi saath saath mein tick mark karte jao. Following is a balance sheet on 1st of April 2019 and receipt and payment account of Dayanand Library, Amboj Gai. You are required to prepare income and expenditure account 31st March 2020. So, hummi kya karna hai students? 31st March 2020. Matlab hamara current year kaun sa hoga? 2019 or 20. Aap wahan pe tick kar lo 2019 or 20 hamara current year hai. Okay, balance sheet on that date. Hame ek to previous year ki balance sheet di hui hai 31st March 2019. Pichle saal ki balance sheet di hui hai. Aur hame receipt and payment account diya hua is saal ka. Hame kya banana hai? हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इस साल की बैलेंस शीट बनानी है. चलो लेट्स स्टार्ट. कैन यू स्टूडेंट सबसे पहले यू हैव टू ओपन योर माइक एंड यू हैव टू आंसर. टेल मी कैपिटल फंड कहां पर आएगा? लायबिलिटी. फंड वर्ड हमेशा लायबिलिटी में आता है स्टूडेंट्स और कैपिटल फंड एज इट इज हम लोग लायबिलिटी में लिख देंगे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऐड टू सब्सक्रिप्शन. या वेरी गुड बेटा. देखो बेटा ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ये हमें पिछले साल मिल गया है बट ये कभी का है? इस साल का है. पिछले साल हमें एडवांस मिल गया था. तो ये कहाँ बिलोंग करता है? ये इस साल में बिलोंग करता है. अगर इस साल में बिलोंग करता है तो आप इनकम वर्ड लिख दो इनकम. और पिछले साल का एडवांस यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स? हम बोलते हैं करंट ईयर में हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था. आउटस्टैंडिंग हमेशा एड होता है और एडवांस हमेशा लेस होता है, ऐसा हमने पढ़ा था. लेकिन अगर अब प्रीवियस ईयर का होगा तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा. प्रीवियस ईयर का ऑपोजिट हो जाएगा तो ये एडवांस क्या हो जाएगा? इस साल में एडवांस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. तो हम स्टूडेंट्स इसको सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे. आपको चाहिए तो सब्सक्रिप्शन को टिक कर लो. मेंबर सब्सक्रिप्शन यू कैन जस्ट टिक मार्क ओवर देयर. हम इसको ऐड करने वाले हैं. पिछले साल का एडवांस है मतलब ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू दिस ईयर. आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ठीक है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है उसको एज इट इज लायबिलिटी में रखेंगे कि पिछले साल का अभी भी हमको खर्चा पे करना बाकी है, पेंडिंग है. फर्नीचर है, asset, books, asset, stock of postage stamps. Students, देखो postage stamp हमारे लिए खर्चा होता है. खर्चा उसका opening stock दिया हुआ है. अगर obviously opening stock दिया हुआ है कोई सी खर्चे का तो देखो शायद closing stock भी दिया होगा. यहाँ पे edges number 5 में दिया है, closing stock भी दिया है. हम formula use करेंगे. Tell me students what is the formula? किसी भी खर्चे का opening और closing दिया हो तो उसका हम क्या formula use करते हैं? Opening stock add purchase less closing stock. वेरी गुड बेटा. ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो हम लोग पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पे लिख दो, हम फॉर्मूला में डालेंगे इसको. इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड फॉर्मूला में डालेंगे. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. कम ऑन स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी हैज टू आंसर. ओपन योर माइक, स्टार्ट ओपनिंग योर माइक एंड आंसरिंग. ऑफ कोर्स एसेट है, एसेट है. अब ये कैश इन हैंड 7 और 40,000, बताओ इसका क्या होगा? और नीचे देखो यहाँ पे कैश और बैंक दिया हुआ है. कैश और बैंक 7 और 40,000 दोनों कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों के दो इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है. तो किसी अमाउंट का ऑलरेडी दो इफेक्ट आ चुका है तो हमें उसका कुछ भी नहीं करना है फिलहाल. स्टार्टिंग विद द रिसीप्ट साइड नाउ. मेंबर सब्सक्रिप्शन इनकम. चलो एवरीबॉडी प्लीज आंसर. एंट्रेंस फीस. चलो लेट्स स्टार्ट. सो एंट्रेंस फीस इनकम. ओल्ड न्यूज पेपर इनकम कमाएगा. हायर ऑफ लेक्चर हॉल. ये सब रिसीप्ट का पैसा आ रहा है, मतलब ये सब इनकम ही होने वाला है क्योंकि पैसा आ रहा है. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम. लाइफ मेंबर फिलहाल हम सब इनकम में लिख रहे हैं. ओके, आफ्टर दैट सैलरीज. एक्सपेंसेस. एक्सपेंस है. परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प. ये फॉर्मूला में आएगा ना? Exactly, formula में add purchase करेंगे, है ना? Opening stock, add purchase, और नीचे दिया हुआ है less closing stock. हम पूरा formula apply करेंगे. Very good. Books? हाँ, asset में add हो जाएगा students. तो चलो books को tick करो. Tick करो bookmark. Books में क्या adjustment है? Outstanding expenses paid. देखो पिछले साल 2000 था, हमारी liability में reflect कर रहा था. ये साल हमने उसको pay कर दिया. तो ये क्या कर देंगे? पूरा nil कर देंगे. इसको minus कर देंगे liability से. पिछले साल का 2000 हमारे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रहा था इट्स लायबिलिटी और इस साल हमने उसको पे कर दिया तो ऑब्वियसली उसको माइनस करके पूरा नील कर देंगे. इमेजिन करो मुझे किसी को पैसा देना था, मुझे विवेक को 2000 रुपीस देना था,
ओके, और इस साल मैंने उसको पैसा दे दिया, मतलब मेरी लायबिलिटी अभी नील हो जाएगी. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट. तो यहाँ पे असेट लिखेंगे फर्नीचर. फर्नीचर ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ था स्टूडेंट्स हमें, तो फर्नीचर को भी असेट में डालेंगे. यहाँ पे टिक कर लो, इसमें भी एडजस्टमेंट है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेल मी व्हाई इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विल गो असेट, है ना? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस बेटा, पेमेंट क्या है ना, खर्चा ही अपने लिए. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, खर्चा. रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस. और फाइनली कैश और बैंक कहां पर जाएगा? असेट, असेट साइड जाएगा. वेरी गुड. ओके, सो इज देयर एनीथिंग व्हिच इज स्टिल कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स? इसमें से ऐसा कोई पार्ट है जो आपको अब तक नहीं समझा है तो यू कैन आस्क मी. देखो यहाँ पे ऑलरेडी बुक्स दिया था हमने और यहाँ पे बुक्स परचेस किया तो उसको ऐड कर देंगे. यहाँ पे ऑलरेडी फर्नीचर दिया था और फर्नीचर हमने परचेस किया उसको भी ऐड कर देंगे. ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला टिक मार्क किया है. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, डेप्रिशिएट बुक्स एट द रेट 10% पर एनम. टेल मी व्हाट इज द टू इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन? लेस लेस और एक्सपेंडिचर साइड. वेरी गुड, सो लेस फ्रॉम असेट, एक्सपेंडिचर साइड. चलो बुक को डिकोरेशन, बुक में दो एडजस्टमेंट है, मतलब तीन लाइन छोड़ना है. आपको चाहिए तो आप लिख दो, यहाँ पे तीन लाइन छोड़ना होगा आपको बिकॉज दो एडजस्टमेंट है. और क्या करेंगे, लेस फ्रॉम असेट, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड जाएगा. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8.5%. अगेन स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन करेंगे, फर्नीचर में भी दो एडजस्टमेंट है, दैट मीन्स तीन लाइन छोड़ेंगे. इसमें भी क्या होगा, लेस फ्रॉम असेट, एक्सपेंडिचर साइड. 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज्ड. चलो टिक करो, एंट्रेंस फीस को भी टिक करो और लाइफ मेंबरशिप फीस को भी टिक करो. टेल मी स्टूडेंट्स क्या आएगा, कैपिटलाइज करना, दो इफेक्ट क्या होते हैं? वेरी गुड, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एड टू कैपिटल. कशिश आपने माइक ऑन किया था लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया. काफी, आप बताओ कैपिटलाइज का क्या होता है, दो इफेक्ट? लेस फ्रॉम इनकम आएगा, लेस फ्रॉम इनकम, नहीं नहीं, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल. हेलो काव्या, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल. वेरी गुड बेटा, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, वेरी नाइस. चलो तो हमने टिकवा कर दिया, एंट्रेंस फीस को भी टिक कर दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस को भी टिक कर दिया है. आफ्टर दैट ऑप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शांति से सुनना. Library had 2,000 members each paying 100 rupees each. बताओ टोटल कितना अमाउंट आएगा? 2,000 members into 100. 2,000. हाँ, very good. तो यहाँ पे दो जीरो ऐड करते हैं, मतलब 2,00,000 रुपया हो गया. तो अपना सब्सक्रिप्शन टोटल कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? टोटल 2,00,000 होना चाहिए. हाँ, तो हम लोग देख लेंगे, 1,80,000 है प्लस हम लोग यहाँ पे ऊपर वाला 3,000 ऐड करने वाले हैं, तो 1,83,000 हो जाएगा. बट हमारा बाहर आउटर कॉलम में कितना, 2,00,000 आना चाहिए था. क्या बोला हर्षिल आपने? 17 ऐड करेंगे, 17 के. एग्जैक्टली बेटा, तो 17,000 हमारा क्या अभी भी आउटस्टैंडिंग है. तो आप लिख दो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. और बताओ आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है या लेस होता है? आउटस्टैंडिंग ऐड होता है. और सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? ऐड, ऐड और असेट साइड. असेट साइड, वेरी गुड. तो ऐड करेंगे और असेट साइड लिखेंगे उसको. एंड गोइंग विद द लास्ट वन, वैल्यू ऑफ Unused postage stamp was 200 rupees. तो ये closing stock दिया, जो formula हम लिख देंगे, यहाँ पे formula लिख दो. इसका दो effect आएगा because adjustment में दिया हुआ है. तो एक तो formula में लिखेंगे और second effect aside पे डालेंगे because ये stock है. तो दो effect आएगा, एक तो formula में डालेंगे and second effect stock में डाल देंगे. चलो अब मैं sum की शुरुआत करने वाला हूँ. If there is any doubt, anyone you want to ask right now. ये पूरे part में sum number 11 है. I'm going to write over here question 11. And this is page number 91. In the books of, क्या नाम दिया था हमें, दयानंद and then library. और क्या है, अंबा जोगी. So क्या दिया यहाँ पे, income expense account for the year ended. हमारा करंट ईयर 31st मार्च 2020 है, तो 31st मार्च 2020 आएगा. एंड तो बैलेंस शीट भी मेरा सेम आएगा एज, और मुझे सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट ही बनानी है 31st मार्च 2020. दैट्स इट.
चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. सबसे पहले हम लोग को बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है. कैपिटल फंड दिया हुआ है, लेट मी राइट ओवर हियर. कैपिटल फंड हमेशा बाहर ही लिखते हैं 750,000 बिकॉज़ इसके अंदर सरप्लस या डेफिसिट ऐड या माइनस करते हैं, इसलिए हमेशा डिटेल कॉलम में आएगा. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. ओके, तो मैं यहां पे पहले बाय सब्सक्रिप्शन वर्ड लिखूंगा. बाय सब्सक्रिप्शन, जब भी एक से ज्यादा एडजस्टमेंट होगा सब्सक्रिप्शन में तो हमें पूरा का पूरा अच्छे से फॉर्मूला लिखना है. तो अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. यू विल बी राइटिंग ऑल द फुल फॉर्म. बोर्ड एग्जामिनेशंस ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, दो लाइन लो और उसको पूरा फुल फॉर्म लिखना अच्छे से. लेस एडवांस फॉर करंट ईयर, फिर लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर और ऐड एडवांस इन प्रीवियस ईयर. Students, tell me ये कौन सा है? 1, 2, 3, 4 कौन सा वाला अमाउंट होगा? ये हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है और पिछले साल है. तो 1, 2, 3, 4 कौन सा वाला है? ये फोर्थ वाला है बेटा. वेरी गुड. सो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो हमारा ये फॉर्मूला में फोर्थ वाला आएगा. मैं यहाँ पे 3,000 rupees लिख रहा हूँ. देखो सबसे पहले है एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है, सेकेंड है एडवांस फॉर करंट ईयर जिसको लेस करेंगे, और पिछले साल का ऑपोजिट होता है लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर और एड एडवांस इन प्रीवियस ईयर. तो क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से कौन सा आएगा ये 3000 अमाउंट. तो ये चौथा वाला है कि पिछले साल में एडवांस मिला था हमें, इसलिए ये एड हो जाएगा. ओके, आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. इसमें भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, 2000 डिटेल कॉलम में लिखेंगे हम लोग. After that, asset side जाएंगे आप. Okay, the first thing that we have furniture. Furniture में दो adjustment है तो कितनी लाइन छोड़ेंगे? Okay, तीन लाइन छोड़ेंगे. 50,000. After that, books है. 1, 2, 3. Books में भी दो adjustment है. 650,500. 650,500. इन सबका एक ही इफेक्ट आएगा students, because ये already balance sheet में दिया हुआ है. अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो दो इफेक्ट करते हम लोग. ओके, 650,500. इसमें भी हम तीन लाइन छोड़ेंगे. और स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प. ओके, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प है तो हमें पूरा फॉर्मूला लिखना होगा. हमें यहाँ पर मैं पहले लिखूंगा 2 पोस्टेज स्टैम्प्स कंज्यूम्ड. हमेशा कोई भी खर्चे का आएगा कंज्यूम्ड वर्ड यूज करना है. देन यू हैव टू अंडरलाइन दिस नाइसली विद अ पेंसिल. फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे opening stock add purchase और एक line छोड़ के लिखेंगे less closing stock. मैंने पूरा formula अच्छे से लिख दिया है. 2 postage stamp consumed, उसमें opening stock है, add purchase, closing stock. Tell me students, ये amount है जो stock of postage stamp 500 वो कहाँ पे जाएगा? Opening stock. Opening stock में जाएगा. Very good. तो ये 500 रुपये हम यहाँ पे opening stock में लिख देंगे 500 rupees. ओके, आफ्टर दैट फिर क्या? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज में तो कोई एडजस्टमेंट फिलहाल नहीं दिख रहा है मुझे. तीन लाइन छोड़ के लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, अमाउंट है 7,000 रुपये. और यहाँ पे मेरा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट हो गया स्टूडेंट्स, फिनिश कंप्लीटली. हमेशा हर समय हमें क्या करना है? पहले पिछले साल की बैलेंस शीट को कंप्लीट कर देना है. अगर उन्होंने नहीं बनाया होगा तो हम बनाएंगे, और अगर उन्होंने बना के दिया होगा तो उसके सारे एंट्रीज हम सबसे पहले पास करेंगे. ठीक है, अब हम बढ़ेंगे रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट की ओर. सबसे पहले मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1,80,000. तो मैं यहाँ पे 1,80,000 लिखूंगा बिकॉज इसमें अभी भी एडजस्टमेंट है. ओके, आफ्टर दैट एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस में भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, बाय एंट्रेंस फीस अमाउंट है 30,000. बाय ये सारी इनकम हमारे लिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स. बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 2,000. आफ्टर दैट बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल अमाउंट कितना है? 10,000 है. By interest
ऑन सिक्योरिटीज कितना है 5000 है. यू हैव टू मेक श्योर आप बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा बड़ा सा अकाउंट बनाओ ताकि अगर आपको चाहिए तो आप दो दो लाइन भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इट विल लुक मोर नीट एंड टाइडी बाय लाइफ मेंबरशिप फीस. इसमें एडजस्टमेंट डिस्टेंस यहाँ पे 10,000 हम लोग डिटेल कॉलम में ही लिखेंगे. ओके यहाँ पे हमने इनकम साइड वाला पार्ट अब फिलहाल के लिए कंप्लीट कर दिया पूरा. मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट साइड नाउ. ओके पेमेंट साइड सबसे पहले सैलरीज दी हुई है तो सैलरीज हमारे लिए खर्चा है. टू सैलरीज इसमें एडजस्टमेंट है, सैलरीज में एडजस्टमेंट नहीं है. 24,000 आएगा फुल एज इट इज. परचेज ऑफ पोस्टेज सेंट्रल में ये कहाँ जाएगा? एड परचेज. हाँ तो एड परचेज में जाएगा ये हमारे लिए 1500. तो टेल मी हाउ मच इज 500 प्लस 1500? 2000. कितना सोच रहा है. चलो 2000 हो गया स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट अब बुक्स है यहाँ पर. बुक्स मतलब हमने और असेट परचेज किया तो मैं यहाँ पे एड लिखने वाला हूँ. एड परचेज यहाँ पे हमें डेट दी हुई है. इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि हम लोग को डेप्रिसिएशन ग्राफ हमें वो काम आने वाली है. लाख रुपए की हमने और बुक खरीदी बाप रे. दैट कम्स हाउ मच? 750,500. ओके 750,500. आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे. देखो मेरे मेरी लाइब्रेरी में रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मेरे पास कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 का और वो आज मैंने पे कर दिया तो मैं इधर लेस करूंगा लेस पेड. पूरा 2000 मैंने उसको पे कर दिया तो अब मेरी लायबिलिटी हो गई यहाँ पे नील. ओके आफ्टर दैट देखो स्टूडेंट्स ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था ना ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस में क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज ये इस साल से बिलोंग नहीं करता है. आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल का था जो हमने इस साल पे किया है तो इसीलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में नहीं लिख सकते हैं. इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के अंदर सिर्फ वही आइटम्स आएगी जो इस साल से बिलोंग करती है. सो आफ्टर दैट क्या लिखा है? बाय इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट. सो विल राइट ओवर योर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है हमारा 50,000 रुपया. आफ्टर दैट फर्नीचर को करेंगे एड परचेज 30,000. दैट कम्स टू टोटल 80,000 हो गया हमारा फर्नीचर. और फर्नीचर में भी कुछ डेट दी हुई है हमें चलेगा. हम लोग डेप्रिसिएशन के टाइम देख लेंगे उसको डेट को क्या करना है. फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट है 6,000. उसके बाद है टू रेंट और अमाउंट है 18,000. उसके बाद है अब बैलेंस कह दो मतलब फाइनली हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. हम यहाँ पे लिख देंगे कैश और बैंक लिखेंगे 9,500 और है यहाँ पे 43,000. ओके यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा हो चुका है सम स्टूडेंट्स कंप्लीट. अब हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट है जितने भी एडजस्टमेंट उसके दो इफेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स. ओके डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे अभी उसका रफ नोट बनाना होगा तो मेरे पास इसके नेक्स्ट वाला पेज खाली है. क्या लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स ना? तो लेट्स मेक अ वर्किंग नोट. फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके वर्किंग नोट लिख रहा हूँ. ओके फर्स्ट 6 महीने के लिए लगाए डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स. सो जो डेप्रिसिएशन का बुक्स का जो टोटल अमाउंट है वो है 750,500 पर उसका दो टुकड़ा कर देंगे. एक जो हमें स्टार्टिंग से मिला था 650,500 और एक जो अमाउंट था वो कितना था 1,00,000 रुपीज. अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10% है. तो ये 10% पूरे 12 मंथ्स के लिए रहेगा तो इसका अमाउंट कितना आएगा बताओ? 65,050. और ये जो 1,00,000 रुपीज है स्टूडेंट्स उसका 10% कितने मंथ्स के लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए होगा. बिकॉज ये कब परचेज किया था हमने? हमने इसको परचेज किया था 1st of October को. तो अक्टूबर एक महीना, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी फरवरी और मार्च मतलब 6 मंथ्स के लिए होगा, तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है, और 6 महीने के लिए मतलब कितना हुआ 5,000, तो दैट कम्स टू हाउ मच 65 प्लस 5 कितना होता है 70,050, आया तुम लोगों को 70,050? स्टूडेंट्स आप लोगों को भी अमाउंट आ रहा है 70,050, यस और नो? बोलो तुम लोग ने अमाउंट फाइंड किया, हम यहाँ पे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, अमाउंट आएगा 70,000 और फिर क्या था 050, इसको माइनस करेंगे अब हम 75,000 है 7,55,000 और माइनस करेंगे 70,050, ये जीरो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, 4 ये 450 हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, 15 में से 7 गया तो 8 आएगा, मेरा 68 आ रहा है 68,450। सुन सर मैं तुम्हारा अमाउंट क्या आ रहा है 68 आ रहा है 450? यस सर 6,80,450 आ रहा है, 6,80,450 यहाँ लिखेंगे 6,00,000, वापस से चेक कर लें एक बार 80,450 आया। चलो आफ्टर दैट इसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट हम लोग, मैं यहाँ लिखूंगा 2 डेप्रिसिएशन, ऑनलाइन करेंगे अच्छे से बुक्स, और अमाउंट कितना है अमाउंट है 70,050 ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन फर्नीचर है, फिर से फर्नीचर का हम नोट बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहां पे मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का भी टोटल अमाउंट कितना है 50,000 है, टोटल कितना है 80,000 है, 80 में से पहले 50,000 ऑलरेडी था, इस साल 30,000 और परचेस किया, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है 8.5%, तो यहाँ पे भी 8.5% लिखेंगे, यहाँ पे भी 8.5% लिखेंगे, ये पूरे 12 मंथ्स के लिए है बिकॉज पहले से हमारे पास था ओपनिंग है, और 30,000 कब परचेस किया जुलाई में, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 9 मंथ्स आ रहे स्टूडेंट्स, 9 मंथ्स, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 50,000 इनटू 8.5 अपॉन 100, दो जीरो कर 4 to 5, तो 85 इनटू 50 हो जाएगा 0,000, 5 जा 25 टू 10 4 to 5 5 जा 40, तो दैट इज 4,250 आ रहा है, चलो इसका अमाउंट तो 4,250 आ रहा है, अब 30,000 का चेक करेंगे 30,000 इंटू 8.5 अपॉन 100 इंटू 9 अपॉन 12 आएगा, 9 अपॉन 12 दो जीरो कट 9 जा 3 जा ये 4 जा हो जाएगा, ये 4 1 जा और ये कितना होगा 4 7 जा 20 बता 7 75, तो 75 इंटू 3 कितना होता है 75 into 3, 225 into 8.5, so let's do that, 225 into 8.5, 5 5 is 25, 2 carry, 5 2 is 10, 12 1 carry, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 44 carry, 22 carry, 5 2 is 10, 11 हो जाएगा यहाँ पर, थैंक यू 0, 8 5 is 44 carry, फिर 8 2 is 16, 2 carry, 8 2 is 16, 17, 18, 5 2 1 9 1, is it 1,912.5? अब इन दोनों को प्लस करेंगे 4,250 और 1,912.5, ओ माय गॉड,
पे 0.5 को लेंगे नहीं लेंगे चलेगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. So let's do 4250 plus 1912. So 26 कितना है? 6162. चलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू राइट द अमाउंट 6162. 0.5 को मैं छोड़ रहा हूँ, 6162 लिख रहा हूँ मैं. यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन करेंगे 6162. अच्छा 80,000 माइनस 6162 कितना होगा? 73 आएगा, इतना तो फिक्स है. 162 है ना? 73838. मैं 8 आएगा ना, 7 कैसे आएगा? 73838. अच्छा 73 बाद में 838 ना? 838. हाँ 838. 73 के बाद 838 आएगा, 838. अच्छा सेकंड फैक्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर. फर्नीचर अमाउंट कितना है? 6162. तो पहले तो 2 आएगा, 5 प्लस 6 11, 1 कैरी 2 आ जाएगा. दिस इज 76212 आया. टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 76212. ओके सो हमारा स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट नंबर 2 भी यहां पर हो गया फिनिश. मूविंग फॉरवर्ड नाउ टू द एडजस्टमेंट नंबर 3 व्हिच सेज एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप को कैपिटलाइज करना है. चलो तो यहाँ पे एंट्रेंस फीस में लिखूंगा लेस कैपिटलाइज्ड, और एंट्रेंस फीस को हमें कितना करना है? सिर्फ और सिर्फ 50% ही करना है. तो लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, हम 15,000 करेंगे सिर्फ, तो बाहर बचेगा 15,000. और लाइफ मेंबरशिप फीस को भी हम लेस करेंगे, लेस कैपिटलाइज्ड, पूरा ही कर देंगे 10,000, पूरा का पूरा नील हो जाएगा. तो लेस फ्रॉम इनकम हो गया, अब एड टू कैपिटल करेंगे. लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, यहाँ पे एड करेंगे. सबसे पहले एंट्रेंस फीस ऐड करेंगे जिसका अमाउंट कितना है? 15,000 है. और फिर ऐड करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000 है. मतलब 7,50,000 के अंदर हम 25,000 ऐड करने वाले हैं, विच कम्स टू 7,75,000. ओके सो एडजस्ट नंबर 3 हो चुका है, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल. मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ वन, लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर्स ईच पेइंग 100 रुपीस. तो स्टूडेंट्स देखो, अब हमने देखा था 2,000 × 100 हमारा कितना 2 लाख आता है. तो यहाँ पे 2 लाख हमको आउटर कॉलम में लिखना है हमेशा, बिकॉज इतना टोटल पैसा हमारे पास आना चाहिए था. आउटर कॉलम में अंदर कितना आएगा? 2 लाख रुपीज आएगा. तो अब चेक करो, 1,80,000 और 1,83,000 ऑलरेडी हमारे पास है. तो और कितना अमाउंट एड करना पड़ेगा 2 लाख बनाने के लिए? 17,000. तो इसको हम आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर में डालेंगे 17,000. और इस 17,000 का सेकंड इफेक्ट देंगे हम लोग, इस 17,000 का सेकंड इफेक्ट देंगे एड टू इनकम. आउटस्टैंडिंग इनकम है तो असेट साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000. तो आई विल रिपीट वन टाइम स्टूडेंट्स, क्या था यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में ज्यादा 2,000 मेंबर्स ईच 100 रुपीज पेइंग ईच, तो टोटल 2 लाख होता है. और ये 2 लाख हमारा आउटर कॉलम में जाएगा, बिकॉज हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए? 2 लाख आना चाहिए था, लेकिन आया कितना अब तक? टोटल 1,83,000 ही आया सिर्फ. तो इसका ये मतलब है कि 17,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है. और अगर ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है तो ऐड होगा ऐड टू इनकम असेट साइड, ऐड टू इनकम असेट साइड. एंड गोइंग विद द लास्ट एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प 200 रुपया है, तो उसको 200 रुपया यहाँ लेस क्लोजिंग स्टॉक में डाल देंगे फॉर्मूला के अंदर. ओपनिंग स्टॉक एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, 2,000 में से 200 का तो 1,800 बचेगा. और सेकंड इफेक्ट हमारा असेट में आएगा, बिकॉज स्टॉक हमेशा हमारे लिए असेट में आता है. तो हम यहाँ पे अच्छे से पूरा लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स, और अमाउंट लिखेंगे 200 रुपया, 200 रुपीज. और यहाँ पे हमारा पूरा सम होता हुआ फिनिश. एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द इस सम को हम तल्ली करने के लिए और बढ़ेंगे. ओके सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू चेक वेदर विच साइड इज हैवियर. यहाँ पे मेरा 2,15,000, 2,25,000 अमाउंट 2,30,000 तक आ रहा है, और यहाँ पे तो 2 लाख दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, मतलब मेरा क्रेडिट चार्ज ज्यादा हैवी है. 2,15,000 ये 2,15,000 है, ये 10 और 12, 12 और 5, 17.
तो 2 लाख कितना आएगा ये 2,32,000 आ रहा है तो 2,32,000 यहाँ पे लिखेंगे 2,32,000 अब 2,32,000 में से इन सबको माइनस करना है जो अमाउंट आया स्टूडेंट उसको मैंने नीचे लिख दिया क्रेडिट हैवियर है अभी 24 और 1 25,800 6,000 और ये 24,000 और ये 76,212 है 76,212 यहाँ पे 2 आएगा ये 1 आएगा 0 1 कैरी 10 16 1 कैरी 12 1,26,012 है उसको माइनस करेंगे 2,32,000 में से माइनस 1,26,012 1,05,988 आएगा 9 में से 1 गया तो 8 आएगा ये भी 9 आ जाएगा बाप रे इतना खतरनाक आंसर है 11 में से 6 गया तो 5 आएगा और तो 0 आएगा 1,05,988 आ रहा है 1,05,988 तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स इसको मैं गोल कर दूंगा क्या लिखते हैं हम लोग तो 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एंड दैट इज ये क्या हमारे लिए सरप्लस बोलेंगे इसको वर्ड सरप्लस यूज करेंगे सरप्लस तो यहाँ पे स्टूडेंट सरप्लस वर्ड लिखा है मैंने अब बताओ सरप्लस स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा इसके बाद बोलो बोलो स्टूडेंट सरप्लस कहाँ जाएगा कैपिटल फंड में ऐड एग्जैक्टली कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा अगर डेफिसिट आता तो हम क्या करते अगर डेफिसिट आता स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं हम उसको लेस कर देते हैं हमारे कैपिटल फंड से पर अभी हमारा सरप्लस है उसको ऐड करेंगे 1,05,988 1,05,988 पीछे 988 तो एज इट इज आने वाला है ये 5 प्लस 5 0 हो जाएगा 1 कैरी 8 हो जाएगा और 8,80,988 आ रहा है अब तो ये टोटल यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे कुछ भी और नहीं है 8,80,988 अब हम क्रेडिट साइड को प्लस यहाँ पे प्लस करेंगे इसको लाइबिलिटी असेट साइड को लेट्स सी सबसे पहले 73,000 है 838 फिर 6,80,450 यहाँ पे कितना 50,000 है ना 50,000 57,000 ये कितना है 43,000 है 9,500 है और क्या है 17,200 तो ये तो पूरा 8 आ जाएगा 8 5 प्लस 3 8 होगा 8 प्लस 4 12 12 प्लस 5 17 19 1 कैरी 4 11 14 23 30 3 कैरी 10 18 23 27, 28, 2 कैरी 8,80,988 यस सर स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है 8,80,988 और यहाँ पे हमारा हो गया सम अच्छे से टैली ओके स्टूडेंट सो व्हाट डू यू हैव टू डू आप लोग को इसके बाद पेंसिल से प्रॉपरली अंडरलाइन करना है स्केल वगैरह से तो हम यहाँ पे जो भी अंडरलाइन पार्ट वाला है अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स आप लोग ने सम साथ साथ में सॉल्व किया अच्छे से ओके ग्रेट ओके स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 12 वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम व्हिच सेज फॉलोइंग इज अ रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस You are required to prepare income and expense account for the year ended 31st March and balance sheet as on that date. देखो शुरू हमें receipt and payment account दिया हुआ है यहाँ पर और पीछे adjustments भी दिए हुए हैं. Okay? देखो adjustment number 1 में देखो यहाँ पे ना हमें पिछले साल के बहुत सारी चीजें दी हुई है balance sheet.
तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम पिछले साल का बैलेंस शीट पहले देख लेते हैं. सो अकॉर्डिंगली देखो, हम पिछले साल का बैलेंस शीट देख लेंगे. सबसे पहले असेट एंड लाइबिलिटी एज ऑन 1st ऑफ अप्रैल दिया हुआ है. ओके, सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 दिया है. अब इन सबके दो दो इफेक्ट आएंगे स्टूडेंट्स, यस और नो? सबके दो दो इफेक्ट आएंगे. तो सबसे पहले क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, 10,000 दिया है. बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट होता है या लाइबिलिटी होता है? है ना, इट्स एन असेट फॉर अस बिकॉज इनकम हमारे लिए, इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट, सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम फॉर अस. तो चलो वहां पे ए ए लिख दो, असेट असेट दोनों बाजू असेट असेट में हम लिख देंगे इसको. पहले मशीनरी भी है, बताओ असेट हो या लाइबिलिटी होगा? मशीनरी असेट है या लाइबिलिटी है? असेट आएगा. बिल्डिंग फंड असेट या लाइबिलिटी? कैपिटल फंड आएगा, सॉरी. स्टूडेंट्स बिल्डिंग फंड क्या होगा, असेट होगा या लाइबिलिटी होगा? कम ऑन, टेल मी. लाइबिलिटी. जब भी फंड वर्ड आएगा तो हमेशा लाइबिलिटी होगा. और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट असेट असेट में लिख देंगे. इज दैट फाइन? चलो नाउ लेट्स स्टार्ट. हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे. सबसे पहले हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया बैंक, कहाँ जाएगा बताओ? एग्जैक्टली पिछले साल की, बिकॉज ओपनिंग क्या होता है हमारा, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, असेट साइड जाएगा. प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट असेट साइड वहां पे लिख दो. सब्सक्रिप्शन है स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए इनकम है 72,000, उसको इनकम लिख देंगे. ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16 एंड 17. देखो स्टूडेंट्स, अब देखो पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग था, चेक करो पहले पिछले साल का कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था. टेल मी स्टूडेंट्स, कितना था पिछले साल का आउटस्टैंडिंग? 10,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, उसमें से हमारा 8,000 इस बार रिसीव हो चुका है. ग्रेट. तो कैन आई से दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, वहां पे लिख दो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर. लिखो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर. बताओ आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर हमारे फॉर्मूला में ऐड होगा या लेस होगा? प्रीवियस ईयर है तो उल्टा होगा ना, लेस होगा? लेस. अच्छा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम मैं आप लोग को बताऊंगा सम सॉल्व करने टाइम, ये हमारे फॉर्मूला में लेस हो जाएगा. और ये एडजस्टमेंट है, इसके दो इफेक्ट आने वाले हैं, हम लेस फ्रॉम वहां कर देंगे और लेस फ्रॉम असेट भी कर देंगे. तो ये जो 8,000 आएगा, जब मैं आपको सब में एकदम अच्छे से बताऊंगा इसको 8,000 को क्या करना है, हमारे फॉर्मूला में लेस होगा. यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, इट्स आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, हमारे फॉर्मूला में लेस होगा. सेल ऑफ मशीनरी 50,000 है ना, टोटल हमारे पास कितनी मशीनरी थी अपने पास, कितनी 50,000 की मशीनरी थी. हमने 25,000 की मशीनरी बेच दी 20,000 में. टेल मी इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? 5,000. तो चलो इसको भी मैं आप लोगों को सब में बताऊंगा इसको क्या करना है. एग्जैक्टली एक्सपेंस होगा 5,000 का. ओके, डोनेशन इनकम में डाल देंगे, एडमिशन फीस इनकम में डाल देंगे. चलो स्टूडेंट्स, आई वांट यू ऑल टू ओपन द माइक एंड से हाँ बोलो. इंश्योरेंस कहाँ पर आएगा? एक्सपेंस. चलो एक्सपेंस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस. एक्सपेंस बुक्स असेट. कंप्यूटर अच्छा, अच्छा ये बुक्स और कंप्यूटर पहले कुछ नहीं दिया हुआ है ना अपन को? नहीं दिया हुआ. चलो ठीक है. ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है. फर्नीचर असेट. फर्नीचर असेट है. और फाइनली बैलेंस कर डाउन दिया हुआ है, वो भी हमारे लिए असेट हो गया. बहुत ज्यादा इजी समय स्टूडेंट्स ये वाला भी. चलो डेप्रिशिएट मशीनरी करना है, टेल मी क्या आएगा? मशीनरी को टिक कर लो, उसमें एडजस्टमेंट है. मशीनरी को टिक कर लो, मशीनरी को टिक करना है. लेस फ्रॉम असेट. और सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर साइड, वेरी गुड. डोनेशन रिसीव्ड इज फॉर बिल्डिंग फंड. अच्छा ये जो डोनेशन मिला है वो बताओ जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक डोनेशन है? स्पेसिफिक डोनेशन है. वेरी गुड. तो डोनेशन को टिक कर लो. चलो लेस फ्रॉम इनकम एड टू बिल्डिंग फंड करेंगे, वहां डोनेशन को हम निकाल देंगे और इसको बिल्डिंग फंड में एड करेंगे. चलो यहाँ पे लिख दो लेस फ्रॉम इनकम और एड टू बिल्डिंग फंड करेंगे. एड टू बिल्डिंग फंड बिकॉज ये बिल्डिंग फंड वाला डोनेशन है. सो लेस फ्रॉम इनकम एड टू बिल्डिंग फंड, मतलब अभी हमें यूजुअली रिसीपिएंट पेमेंट में दिया होगा तो हम पहले इनकम साइड लिख देंगे, फिर एडजस्टमेंट में बताया है तो हम लोग वहां से लेस करके यहाँ पे बिल्डिंग फंड में एड कर देंगे. एंड फाइनली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, क्या आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होता है? एड होता है. और सेकेंड इफेक्ट असेट साइड.
चलो आउटस्टैंडिंग, तो सब्सक्रिप्शन का हम पूरा फॉर्मूला लिख देंगे बिकॉज सब्सक्रिप्शन में दो एडजस्टमेंट है, तो जब कभी दो एडजस्टमेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे पूरा का पूरा फॉर्मूला अच्छे से लिख लेंगे. फाइन, एनीवन हैज एनी डाउट? हम लोग सम की शुरुआत करेंगे अब. ओके, मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट रेडी है और आई विल राइट ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज पेज नंबर 93 इन द बुक्स ऑफ कॉमर्स, नहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड. आई विल राइट एग्जैक्ट वर्ड्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड. एंड हमारा करंट ईयर कौन सा है? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द करंट ईयर? 18, तो 17-18 है, 17-18 है ना, 2018 मार्च दिया हुआ है तो दैट इज 17-18. मैं यहाँ लिखूंगा 31st मार्च 2018 मेरा है, तो मेरी पिछले साल की बैलेंस शीट क्या आएगी? बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2017. मैंने दोनों बैलेंस शीट को नाम कर दिया है. टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग द सम? बैलेंस शीट करो. स्टूडेंट्स टेल मी क्या आएगा सबसे फर्स्ट स्टेप कोई भी सम को सॉल्व करने का? पिछले साल का सब कुछ लिख दो पहले. ओके, पहले सबसे पहले पिछले साल की बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे. चलो सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले पिछले साल, सो स्टार्टिंग विद द प्रीवियस ईयर, जो भी हमें अमाउंट पिछले साल का मिलेगा स्टूडेंट्स हम स्टार्टिंग से देखेंगे. रिसीप एंड पेमेंट से देखो, पिछले साल का कुछ है हमारे पास? यस, तो बैंक दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले कैश एट बैंक लिखेंगे बिकॉज ये पिछले साल का है. और अमाउंट कितना आएगा? 22,250 आएगा, 22,250. आफ्टर दैट पिछले साल का और कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर. एडजस्टमेंट नंबर वन में जाएंगे, पिछले साल 1 अप्रैल 2017, मतलब सारा का सारा हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सबके दो दो इफेक्ट डालेंगे हम लोग. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और अमाउंट कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन. ओके, सबका दो दो इफेक्ट आएगा. यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे भी हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे. और स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के लिए, एटलीस्ट 3 से 4 लाइन छोड़ देना पहले से ही. आफ्टर दैट मशीनरी है, मशीनरी का भी दो इफेक्ट आएगा और मशीनरी में भी एडजस्टमेंट था एक, तो मशीनरी में यहाँ पे 3 लाइन छोड़ रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली. और मशीनरी 50,000 उसमें एडजस्टमेंट है बिकॉज डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट है. बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी साइड आएगा हमारा, बिल्डिंग फंड. टेल मी बिल्डिंग फंड में एडजस्टमेंट है या नहीं है? ओके, ऑफ कोर्स हमारे बिल्डिंग फंड में भी एडजस्टमेंट है, वो डोनेशन वाला एडजस्टमेंट था बिल्डिंग फंड में. सो इसको भी हम क्या करेंगे, डिटेल साइड लिख देंगे. अमाउंट आएगा 2,10,000. आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे नीचे भी लिखेंगे. इन्वेस्टमेंट में तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई एडजस्टमेंट है. सो अमाउंट कितना आएगा? 3 लाख रुपया पूरा आ जाएगा, 3 लाख. और यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग 3 लाख. इज दिस फाइन स्टूडेंट्स? चलो अब हम क्या करेंगे, पिछले साल की बैलेंस शीट को टैली करेंगे. हमारे पास इस टाइम कौन सा अमाउंट नहीं दिया है? कैपिटल फंड का अमाउंट नहीं दिया, तो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे. सबसे पहले कितना है ये? 22, तो 32,250. और ये कितना? 50,000, 3.5 लाख. तो 3.5 लाख अगर रहेगा तो ये कितना हो गया? 3,82,250. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3,82,350. अब 3,82,250 में से हमको कितना माइनस करना है? 2,10 माइनस करना है स्टूडेंट्स. 3,82,250 माइनस 2,10,000, 250 तो आएगा. सर आपको 350 कहाँ से आया? 3,82,000 बेटा, 3,82,000. 3,82,000, 350 कहाँ से आया? 3,82,250 है बेटा. आपने उधर 350 लिखा है. अच्छा
ओके ओके 3,82,250 है यहाँ पे, मैंने कैलकुलेशन में 250 लिखा, 3,82,250 और 3,82,250 माइनस हम लोग कितना करेंगे 2,10 करेंगे, दैट कम्स टू 1,72,250, तो यहाँ पे लिखा 1,72,250, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, अगर आपको चाहिए तो आप इसको गोल कर सकते हो, और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड। टेल मी स्टूडेंट्स, कैपिटल फंड का सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? लाइबिलिटी में आएगा हमारा कैपिटल फंड 1,72,250। तो स्टूडेंट्स, हमारा पिछले साल का बैलेंस शीट बनाने का कार्यक्रम समाप्त हुआ, बिकॉज हमें कैपिटल फंड फाइंड करना था और हमने कैपिटल फंड फाइंड कर दिया है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, इस साल की शुरुआत कर सकते हैं। सो इस साल के लिए हम स्टार्ट से शुरू करेंगे, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, ओके, सो आई विल राइट ओवर योर सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हुआ हमें 72,000। अब जब कभी सब्सक्रिप्शन में एक से ज्यादा एडजस्टमेंट हो गए तो हम पूरा का पूरा अच्छे से फॉर्मूला लिखेंगे। लुक, आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आप पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में। फिर हम यहाँ पे लेस लिखेंगे, लेस एडवांस इन करंट ईयर लिख सकते हैं। उसके बाद वापस लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, और फाइनली एड होगा एडवांस इन प्रीवियस ईयर। चलो सो स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ, हमें यहां पे जो दिया हुआ है इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16 एंड 17, ये क्या है? 16, 17 मतलब प्रीवियस ईयर हो गया, ये तो पक्का है, और पिछले साल का पैसा इस बार आया है, तो टेल मी ये आउटस्टैंडिंग था या एडवांस था? पिछले साल का पैसा इस बार आया है स्टूडेंट्स, तो टेल मी क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है या एडवांस है? आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड, तो आउटस्टैंडिंग है और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो मैं यहाँ पे 8,000 यहाँ पे लिखूंगा, ये लेस वाले में आएगा, थर्ड वाले में आएगा, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 8,000, तो फॉर्मूला में ये लेस हो जाएगा। और देखो मेरा असेट रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरा पिछले साल का 10,000 बाकी, इमेजिन करो ये कृष्णा की फीस है, पिछले साल 10,000 अभी भी पेंडिंग है, कृष्णा की 11th स्टैंडर्ड की 10,000 फीस पेंडिंग है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस रिसीव्ड, पिछले साल का जो कृष्णा का 10,000 फीस पेंडिंग था वो इस साल 8,000 आ चुका है हमारे पास, 8,000 आ चुका है, तो मतलब बताओ कितना पेंडिंग है अभी भी, सिर्फ और सिर्फ 2,000 पेंडिंग है, सिर्फ और सिर्फ 2,000 पेंडिंग है। सबको समझा ये दो इफेक्ट कैसे आया स्टूडेंट्स? हमने फॉर्मूला में लेस किया बिकॉज आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर है, और टोटल 10,000 पेंडिंग था, उसमें से 8,000 आ चुका है हमारे पास, तो अब मेरा एसेट सिर्फ और सिर्फ 2,000 बचा है। आगे बढ़ेंगे सेल ऑफ मशीनरी। अच्छा, बुक वैल्यू कितना है? हमेशा लेस कितना करेंगे? बुक वैल्यू लेस करेंगे, चलो मशीनरी से। ओ मशीनरी में स्टूडेंट्स, दैट मींस बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट है, मशीनरी में डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट भी था ना? ओके, तो हमें कितना लाइन छोड़ना था? फिर 3 लाइन छोड़ना था। चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस मशीनरी को यहाँ से निकाल के नीचे लिख देंगे, बिकॉज इसमें 2 एडजस्टमेंट है, तो 3 लाइन आएगी। ओके, मैं मशीनरी को यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, इसमें 2 एडजस्टमेंट है, 50,000। सबसे पहले बुक वैल्यू कितना है, हम लेस सोल्ड कर देंगे, बुक वैल्यू जितना रहेगा उतना सोल्ड कर देंगे, लेस सोल्ड, बुक वैल्यू 25,000 सोल्ड किया, मतलब कितना बचा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 25,000 बचेगा अभी। और स्टूडेंट्स अब मेरी बात सुनो, 25,000 का माल कितने में बेचा? बोलो स्टूडेंट्स, 25,000 का माल कितने में बेचा? 20,000 में बेचा। 25,000 का माल अगर 20,000 में बेचा तो बताओ ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? है ना, तो ये 5,000 का लॉस हुआ, तो मैं इसको एक्सपेंस साइड लिखूंगा, मैं इसको एक्सपेंस साइड लिखूंगा 2 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और अमाउंट आएगा मेरा 5,000 रुपीज। तो आप समझ जाओ मुझे 20,000 का मैंने कहीं भी इफेक्ट नहीं डाला है। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो बुक वैल्यू से लेस कर देंगे, जितना अमाउंट बुक वैल्यू था उतना मैंने एसेट से लेस कर दिया, और यहाँ पे हमें लॉस हुआ इसलिए मैंने एक्सपेंस साइड डाला है उसको, इसलिए मैंने उसको एक्सपेंस साइड डाल दिया है। इज दिस क्लियर एवरीवन? आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आफ्टर दैट डोनेशन दिया हुआ है, आई राइट ओवर हियर बाय डोनेशन, इसमें एडजस्टमेंट है, 55,000 आएगा। उसके बाद है बाय एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, इधर रेवेन्यू लिखा है तो एज इट इज यहाँ पे 6,000 पूरा लिख देंगे।
अब हम पेमेंट साइड बढ़ेंगे. इंश्योरेंस है सबसे पहले, टू इंश्योरेंस अमाउंट है 10,000 रुपया. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपया. After that, books दिया हुआ है हमारे लिए, asset है. मैं यहाँ पे मेरे पास place है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ books. Amount कितना है books का? 30,000 है. उसके बाद है computers. यहाँ पे computers आएगा. 60,000 का computer है हमारे पास. फिर traveling expense है. तो मैं यहाँ पे traveling expense लिखूँगा. two ट्रैवलिंग एक्सपेंस और अमाउंट आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस का 4,000 रुपये. आफ्टर दैट फर्नीचर दिया हुआ है. क्या हुआ? नहीं है ना फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट. फर्नीचर और फर्नीचर का अमाउंट आएगा 62,000. एंड फाइनली हमें कैश एट बैंक दिया हुआ है. कैश एट बैंक और अमाउंट आएगा 5250. ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है. एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा हो चुका था. सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट मशीनरी. अच्छा, अमाउंट ऑलरेडी बना के ही दिया हुआ अपन को, तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेस फ्रॉम असेट एक्सपेंडिचर साइड. लेस फ्रॉम असेट एक्सपेंडिचर साइड तो 2,500 लेस कर देंगे, 22,500 आएगा. और सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे हम कहाँ पर स्टूडेंट्स? एक्सपेंस साइड लिखेंगे. टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,500. एडजस्ट नंबर थ्री, डोनेशन इज रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड. अगर ये बिल्डिंग फंड के लिए है, डोनेशन रिसीव बिल्डिंग फंड के लिए है, तो क्या करेंगे? लेस फ्रॉम डोनेशन एड टू बिल्डिंग फंड. तो लेस करेंगे यहां पे लेस. अच्छे से पूरा लिखना है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, वैसा पूरा लिखेंगे अच्छे से. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कितना बोला है? कुछ नहीं बोला, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट माइनस कर देंगे. 55,000 पूरा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे नील आ जाएगा. और यहाँ पे बिल्डिंग फंड में ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, ऐड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ना है टोटल 55,000 रुपया. 55,000 आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा? पहले 2,10,000 था, 55 कितना हो गया? 2,65,000. 2,65,000 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, राइट? 2,65,000 आ रहा है. ओके एंड फाइनली लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर. हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताओ, हमारे ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर कहाँ जाएगा? हाँ, फर्स्ट में जाएगा. सो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना अमाउंट दिया हुआ है? 6,000. तो कितना होगा स्टूडेंट? 72 प्लस 6 माइनस 8 कितना होता है? 72 प्लस 6 माइनस 8 70,000 जाएगा. और इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, ऐड कर देंगे. आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है कितना अमाउंट है? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 6,000 है. तो टोटल हमारा हो गया यहाँ पर बाहर 8,000 आ जाएगा. ओके और हमारा सम यहाँ पे फिनिश हो चुका है. स्टूडेंट्स बताओ, आप लोगों को समझा सब कुछ या कुछ पेंडिंग है अभी भी आपका? चलो ठीक है, हमने पिछले साल की बैलेंस शीट ऑलरेडी टैली कर दी थी. वी विल स्टार्ट विद दिस ईयर बैलेंस शीट. सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कौन सा साइड हमारा ज्यादा हैवी है. ओके क्या हुआ? हम लोग को यहाँ पे क्या दिया? वाज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू फॉर रुपीज 6,000 ना. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ यू रीड द क्वेश्चन एडजस्ट नंबर 4, इट सेज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू फॉर रुपीज 6,000. मतलब लास्ट ईयर के एंड तक हमारा टोटल ड्यू कितना आना चाहिए? टोटल आउटस्टैंडिंग 6,000 है. तो इफ यू सी ओवर हियर,
हमारा ऑलरेडी पिछले साल का कितना ड्यू था, हमारे पिछले साल का ऑलरेडी ड्यू कितना था, 2000 था, और हमारा टोटल ड्यू कितना होना चाहिए, टोटल ड्यू ये लोगों ने बोला 6000 होना चाहिए हमारे पिछले साल का, इस साल में हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000 है, तो बताओ कितना डिफरेंस है 6000 और 2000 में, कितना डिफरेंस है। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर दीपेंद्र? हेलो हेलो, या दीपेंद्र आपको समझा ये क्या हुआ, हम लोग को यहाँ पे ना क्लोजिंग बैलेंस दिया, आउटस्टैंडिंग टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हमारा 6000 है, ऑलरेडी पिछले साल का 2000 हमारे पास ऑलरेडी था, तो इस साल का और कितना आउटस्टैंडिंग हुआ होगा, हमारा इस साल का आउटस्टैंडिंग और कितना हुआ होगा, 4000 हम यहाँ पे 4000 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 4000 आएगा, इसीलिए 72 प्लस 4 76 होता है, 76 माइनस 8 कम्स टू हाउ मच, That comes to 68,000. Okay, students, देखो, I will just repeat one more time. उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि outstanding subscription for the current year. तो current year में last तक total due कितना था? 6000 total due था. पिछले साल का हमारा already 2000 outstanding पड़ा है. तो in short, ये साल का कितना extra outstanding होगा? सिर्फ और सिर्फ 4000 extra outstanding होगा. इसलिए यहाँ पे हमने 4000 लिखा. तो यहाँ पे total 68,000 आएगा. चलो अब इस sum को हम complete करेंगे. Tell me 68 plus 6 comes to how much? This is 74,000. This is also 74,000. और 74,000 में ये कितना है? 10 है, 15 है, 15 और 4, 19, 19 और 4, 23, 23 और 2, 25, 25,500. चलो माइनस करो 25,500. Where is my book? 25,500. 74,000 माइनस 25,500, 0, 0, 10 में से 5 गया तो 5 आएगा. 13 में से 8 गया तो 8 आएगा. 48,500 आ रहा है स्टूडेंट्स, 48,500. हम कहाँ पे लिखेंगे इसको, यहाँ पे सरप्लस में लिखेंगे 48,500, 48,500. क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज सरप्लस. और यहाँ पे सरप्लस क्वेश्चंस यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे? ऑफ कोर्स यहाँ पे सरप्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. हम यहाँ पे ऐड लिखेंगे, ऐड 48,500 कितना होगा टोटल, 48,500 यहाँ पे 750 हो जाएगा. 0 1 कैरी 220,750, 220,750. अब फाइनली बैलेंस शीट टैली करेंगे, 2,20,750 और 2,62. तो इधर लास्ट में तो 750 आएगा, 750 यहाँ पे कितना है, 20,000 है, और ये 65,785, और ये 2 और 2 4 आ जाएगा, 4,85,750 आ रहा है, 4,85,750. और असेट साइड को प्लस करेंगे, 3,36,000, ये 3,36,000 है, ये 60 और 20 82,500 है 82,500, और ये 62,000 है, 62,000, और 5,250, 0,57, 6 plus 2, 8, 2, 10, 10 और 5, 15, 1 कैरी, 6, 10, 18, 1 कैरी, एंड दिस इज 4,85,750, राइट ओवर हियर 4,85,750, ओके. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर सम ओवर हियर स्केल. हम लोग स्केल से इनलाइन करेंगे इसको. ओके, थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स.